है फ्रेंड्स, हम लोग आज मैक्रम का झूमर बनाने जा रहे हैं। ये हमने मैक्रम लिया है, ये हमने बबल्स लिए हैं, और रिंग कहाँ है गौरव? रिंग, और ये रिंग है, एक है 7 इंच की और एक है 5 इंच की। अब हम इस मैक्रम को खोल के इसमें से 2-2 मीटर की 12 लड़ काटेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने ये 12 लड़ काट ली हैं। अब हम इसको डबल मोड़ के ये इस टाइप से बना लेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए, अब हम ये पूरी लड़ों को इस टाइप से बना लेंगे। ये तो बहुत इजी है, ये हमने इस तरीके से पूरी लड़ों को बना लिए हैं। अब हम इनमें एक एक मोती डालेंगे इस जगह पे। ये हम इस तरीके से बीच वाली लड़ में 2 मोती इस तरीके से पिना देंगे और ऐड कर देंगे। तो आप, हमने सभी में ये मोती डाल दिए हैं और इस तरीके से हम इसमें नोट लगाएंगे डबल से। जैसे हमने ऊपर ऐसे नोट लगाई हैं, वैसी की वैसी हम नीचे लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से हम पूरी फलियों में नोट लगा लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे कर, ये देख सकते हैं आप, हमारी 2 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। अभी ये हम कर रहे हैं, तरीके से नोट लगाते हैं। नोट तो वैसे भी बहुत इजी है, हर किसी को आती है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पूरी ये कंप्लीट हो गई है ये लड़े। अब हम इसके अंदर छोटा वाला रिंग को ऐड करेंगे। तो मैं आपको बतलाती हूँ रिंग को कैसे, रिंग को इसमें ऐसे डाला है, ये वाले धागे को इधर से ऐसे करके ऐसे कर लेंगे हम। डबल डबल बार इसको ऐसे लपेटेंगे। ये देखिए, हमने ऐसे करके इधर से निकाला और ऐसे डबल बार हम इसको थोड़ा टाइट लेंगे हम ये वाले रिंग को। फिर इसके बाद हम इसमें और भी धागे हमको ऐड करना पड़ेंगे, क्योंकि ये धागे थोड़े छोटे हो गए हैं, बाकी बीच बीच में हम इसमें और धागे ऐड करेंगे। ऐसे ही हम इस तरीके से इधर का लपेटेंगे, इधर से डाल के। ये देखिए, ये वाला भी हम इस तरीके से इधर से इस ऐसे नोट लगा देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा ऐड हो चुका है। ऐसे करके हम पूरे लड़ों को इसमें यूं ऐड कर देंगे। हम इसमें इस तरीके से ये ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें और भी 1-1 मीटर के डोर काट के बीच बीच में हमको ऐड करना पड़ेगा। जो हिस्सा है ये खुला हुआ, वो कवर हो जाएगा। ये देखिए, हमने इस तरीके से ये रिंग को ऐड कर दिया है। अब हम नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद नीचे बड़ा वाला रिंग लगेगा। ये देखिए कितना सुंदर लुक लग रहा है फ्रेंड्स। पूरा बनने दीजिए, पूरा बनने के बाद बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तोरण बनने वाला है। वो काट लिया है, ये 12 है और ये इसके अंदर 2 यहाँ ऐड होंगी, 2 यहाँ ऐड होंगी, 2 यहाँ ऐड होंगी। अब हम इसमें ऐड कर दें। ये देखिए, हम इस तरीके से इसमें ऐसे यूँ ऐड कर दें। इसको ऐड करने के बाद हम इसको इधर से निकाल के ऐसे टाइट कर लेंगे, ताकि ये टाइट हो जाएंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से पूरे उसमें ये डोर हमको लगानी पड़ेगी और इस तरीके से हम इसको टाइट कर लेंगे। बाकी इसके नीचे एक और बड़ा वाला रिंग आएगा, फिर हमारी पूरी डिज़ाइन बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरे इसमें इस तरीके से नोट लगा के और अच्छे से टाइट नोट कर दिए हैं और ये हमारा रिंग इसमें ऐड हो गया है। अब हम इसके आगे की डिज़ाइन बनाएंगे, मैं बताती हूँ। इस तरह की इसमें डोर में
इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, ये दो डोरों को बना रहे हैं। अब हम ये इस तरीके से नोट लगाए हैं। अब हमको पहले हम चार से बुन रहे थे, अब हम दो से बुनाई करेंगे और इस टाइप से ये वाले ऐसे नोट लगा के पूरे में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे का देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हम इस तरीके से इसमें नोट लगा लगा के ये बना रहेंगे। टाइम लगता है थोड़ा इसमें। ये इस तरीके से हम नोट लगा लगा के पूरे में हमको ये बिल्कुल बराबर बराबर लगा लेंगे पूरे आस पास। ये देखिए, तो ये हमारे पूरे ऐसी लाइनें बन चुकी हैं। इसके बाद हम जैसे कि ये दो अलग अलग हैं, तो दोनों के बीच में ये वाले लड़ में ये दोनों के इसमें यहाँ पे हम मोती डालेंगे इस तरीके से। जैसे हमने ये डाला है, ये मोती डालेंगे। ये देखिए, ये मोती डालने के बाद फिर हम ये वाली और ये इन दोनों को बुनेंगे, ताकि आगे तक इतना, ताकि हमारी डिज़ाइन आगे आ जाएगी। ये देखिए कितना सुंदर बन रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ऐसे ये डिज़ाइन ऐसी बना ली है पूरी आसपास से। आप देख सकते हैं हमारी डिज़ाइन पूरी ये इतनी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे कि ये है, ये दोनों के बीच में से ये दो को लेंगे हम और इसके अंदर हम ऐसे मोती डालेंगे। हमने ये मोती डाला है, फिर इसके बाद हम ये नोट लगाएंगे एक इसमें। ये नोट ऐसे लगाएंगे, वन बार भी ये और ये दो बार हो के कंप्लीट हो गई। ये नोट लगा ली। अब ये नोट लगाने के बाद वैसे ही हम जैसे ऊपर डिजाइन बनाई थी हमने, वैसे ही हम यहाँ पे ये दो बुन के ले जाएंगे, फिर ये दो बुनेंगे और ऐसे ही करके पूरा हम कंटिन्यू पूरा कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको ऐसे दरवाजे पे टांग लिया है ताकि दिक्कत नहीं आएगी, और ये इस तरीके से एकदम ठीक से अच्छे से समझ में भी आ रहा है। और ये जो खाली जगह कुछ जगह दिख रही है, तो हम इसमें डोरी, ये जो खाली जगह दिख रही है कहीं कहीं, ये हम उसमें डोरी ऐड कर लेंगे। देखिए, ये में है ना जो खाली जगह, और उसके बाद है ना ये जैसे कि पूरा इतना लंबा हैगा, फिर इसको कैंची से इस तरीके से हम ऐसे गोलाई में इसको काट देंगे, ताकि इसका शेप आ जाएगा। ये देखिए, हमने इस तरीके से इनको काटे हैं। हम इस तरीके से इनको बराबर पकड़ पकड़ के एक छोटा एक बड़ा इस टाइप से हम काट लेंगे। ये देखिए, हमने पूरे काट दिए हैं उनको इस तरीके से। ये बड़े हैं, फिर छोटे हैं, फिर छोटे हैं, ऐसे करके। ये देखिए, ये पूरी हमने डिज़ाइन आ गई है। अब इनमें हम लटकन लगाएंगे और मोती लगाएंगे, बस इतना काम बाकी है हमारा। ये हम इस तरीके से इनमें मोती और ये पहनाएंगे, और ये दीपक की उससे ऐसे उसको जला लेंगे, जला जला के ऐसे उनको चिपका देंगे। ये बबल्स वगैरह हम लगा रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया है, फिर हम आपको बतलाते हैं इसके बाद में। ये देख सकते हैं आप, हमारी पूरी डिजाइन कंप्लीट हो गई है। देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ये झूमर। इसमें इस तरीके से हमने कटिंग की थी, आप देख सकते हैं। देखिए आप कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, बतलाइए आप। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप बताइएगा कैसा है ये। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी न्यू डिज़ाइनिंग मिलेंगी देखने को। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल बटन ज़रूर दबाइए इतने अच्छे तोरण के लिए। और हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कैसा लग रहा है आपको।